हेलो सलामकुम। अभी हम एक वीएम बनाएंगे 2016 की, जिस पे हम डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करेंगे। देखते हैं, एक वर्चुअल मशीन जो पब्लिक सबनेट पे होगी। प्रोडक्शन आरजे और इसमें डीसी वीएम। ईस्ट यूएस, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन ईस्ट यूएस में बना हुआ है। ईस्ट यूएस अवेलेबिलिटी जोन वेन चीजों विंडोज 2016 इसने खुद ही सिलेक्ट कर दिया। 2 GB, सॉरी, टू सीपीयू, 7 GB रैम। एयर एडमिन एयर नन सीवीएम अवेलेबिलिटी सेट काम करता हूँ मैं। इसमें पहले बेस्टियन होस्ट बनाता हूँ, बेस्टियन होस्ट से हम फिर एक्सेस करेंगे वीएम को। नेक्स्ट नेटवर्किंग, इसको मैं पब्लिक में बनाता हूँ। बेस्टियन आईपी नन, मैनेजमेंट नेक्स्ट टैग रिव्यू एंड क्रिएट। बेस्टियन होस्ट पहले वीएम बनाइए। अभी मैं एक और वीएम बनाता हूँ डीसी, जो प्राइवेट सबनेट में होगी विदाउट पब्लिक आईपी। सोर्स ग्रुप ACVM ECUS availability set बना है मेरे का। when availability 2016
None. साइज में चेंज कर देता हूँ। नेट साइज प्रेमेसेसरी नेटवर्किंग ये मैं प्राइवेट में बनाता हूँ जो पब्लिक आईपीस की नहीं होगी। नन ठीक है NST private connected इसके साथ और management tags review and create वर्चुअल मशीन में जाए। यहाँ पे देखें एक वीएम क्रिएट हो रही है, दो आपस बन रही है, एक बेस्टन और एक डोमेन कंट्रोलर। अब डोमेन कंट्रोलर को हम बेस्टन से एक्सेस करेंगे, देखते हैं कैसे एक्सेस करते हैं। दोनों मेरी वीएम एक्सेस हो रही है, देखें ये बन गई है। गो टू रिसोर्सेस, इसकी पब्लिक आईपी है, इसकी मैं पब्लिक आईपी चेंज करता हूँ। स्टैटिक आईपी देते हैं इसको, इसको मैं कर देता हूँ सेव। ये भी डोमेन कंट्रोलर भी हमारा रेडी हो गया, इसको भी हम स्टैटिक आईपी देते हैं। इसकी पब्लिक आईपी नहीं होगी, सिर्फ प्राइवेट आईपी होगी। लेकिन प्राइवेट आईपी सिर्फ आ रही है। डॉट 200 200 आईपी देते हैं, सेव हो गई है। अगर मैं बेस्टन हाउस में जाऊं, सिक्योरिटी ग्रुप कॉपी, इसकी मैं नेटवर्किंग में जाऊं, चेक करूं, हाँ ठीक है एक्सेस हो जाएगा। एसटीएससी कनेक्ट, ये मैं बेस्ट इन होस्ट को कनेक्ट कर रहा हूँ। योर एडमिन टास्क यस एक्सेस हो गया।
चल रहा है अभी। अब यहाँ से हम डोमेन कंट्रोलर को एक्सेस करेंगे। अगर मैं यहाँ से सीएमडी करूँ पिंग करूँ 192.168.2.16.2.200-T, पिंग नहीं होगा क्योंकि उसके पास फाइबर ओपन है, इस वजह से भी वो पिंग नहीं होगा। 2.200 है। अगर मैं यहाँ से एक्सेस करता हूँ NSTSC ये देखिए ओपन हो गया। एयर एडमिन यस इधर आ गया है। पहले तो अगर मैं आपको ये डोमेन कंट्रोलर आपका बिस पे हम डोमेन को एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं। ऐड रोल्स एंड फीचर्स नेक्स्ट। अगर हम इसका पासवर्ड सेट करें एडमिनिस्ट्रेटर का तो वो भी कर सकते हैं। कंप्यूटर मैनेजमेंट 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 आ गई है। हम लोकल यूजर्स यूजर्स ग्रुप अकाउंट नहीं है इसमें, एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रो डायरेक्टरी यहीं से इंस्टॉल करते हैं। एयर रोल्स एंड फीचर्स नेक्स्ट रोल बेस टी सी वी एम
to directory domain and services. Next. Yes, install. ज़्यादा खुल गए हैं अभी तक इंस्टॉल हो रही है, इंस्टॉल हो गई है, अब हम प्रमोट करेंगे न्यू फॉरेस्ट माय लैब सॉरी माय लैब डॉट लोकल Next. 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 Next time for installation. Server restart हो गया अगर मैं इसको access करना चाहूँ अभी MSDSC sorry don't yes रिमूव पॉलिसी चल रही है हमारा सर्वर लॉगिन हो गया एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो गई है और मुझे फायरवॉल इसकी ऑफ करनी है तो फायरवॉल ऑफ करने के लिए कंट्रोल पैनल सिक्योरिटी
तीनों फायरवॉल ऑफ कर दें। अगर हम कंप्यूटर्स पे जाएं, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, देखें आ गया माय लैब, यूजर्स में जाएं तो बिल्ट इन यूजर में जाएं, एयर एडमिन आ रहा है, एंटरप्राइज एडमिन मेंबर्स, देखिए एयर एडमिन आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर्स, मैं न्यू एक ओयू बना रहा हूँ आईटी के नाम से, आईटी एडमिन के नाम से, कॉपी, यहाँ पे आ गया, अगर मैं इसको यहाँ से पिंग करूँ तो पिंग हो जाएगा, सीएमडी पिंग 172.16.2.1, पिंग हो रहा है, इसका मतलब हमारी कनेक्टिविटी सही। नेक्स्ट लैब में हम फीनेट पियरिंग करेंगे और फिर हम उसमें विंडोज 10 की मशीन और एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करेंगे। इस लैब को यहाँ तक